फाफ T20 सीरीज हारने के बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, जो उनके स्टैंड इन कप्तान, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फाफ डु प्लेसी, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, यानी कि अपनी जो कप्तानी का जो उनका पद था उसको छोड़ने का ऐलान किया है। जी हाँ, उन्होंने उसके बाद बहुत ही ज़्यादा रीजन्स बताए, बहुत बड़ी बड़ी वजह बताई, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि क्विंटन डी कॉक जैसे जो युवा लीडर है उनको उपयुक्त, कह लीजिए उनको पर्याप्त मौका देने के लिए ये उनने कड़ा कदम उठाया। उसके साथ साथ जो भी अपकमिंग वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप और रिमेनिंग जो उनके टेस्ट होम सीरीज थी, वहाँ पे वो चाहते थे कप्तानी करना, लेकिन फिर भी एक जो सेल्फलेस नेचर होता है कप्तान या किसी भी लीडर का, उसको उसी प्रथा को उन्होंने बरकरार रखते हुए इस टीम में इतना बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, आपको बता दूँ तीनों फॉर्मेट के वो कप्तान नहीं रहेंगे। हालांकि ओडीआई के कप्तान पहले क्विंटन डी कॉक अपॉइंट कर दिए गए थे, लेकिन फिर जो रिसेंट अपडेट ये आ रहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अपनी जो कैप्टेंसी का जो उनका पद था उससे वो स्टेप डाउन करेंगे, यानी कि जो T20 और साथ साथ जो टेस्ट मैच की जो वो अगुवाई करते थे वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम की, वो अब नहीं करेंगे। यानी कि कोई नया चेहरा, कोई नया लीडर, कोई नया कप्तान ढूंढना पड़ेगा मार्क बाउचर और क्विंटन डी कॉक की टीम को। तो ये देखना बेहद दिलचस्प है, कौन सा नया जो कप्तान आता है, कौन सा ऐसा परमानेंट कैप्टन आएगा जो अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स अगुवाई करेगा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की। लेकिन फिर से आपको बता दूँ, जो उनका होम सीजन रहा है साउथ अफ्रीका का, खासकर वर्ल्ड कप के बाद जितने भी कैंपेन्स रहे, जितने भी सीरीज रही है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। और खासकर जब भी बात आती है किसी भी टीम के खराब परफॉर्मेंस की, तो हमेशा उंगलियां उठती हैं कप्तान पर। तो वही कप्तान, कह लीजिए वही खिलाड़ी निशाने पे था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फाफ डु प्लेसी की, जो लंबे समय से आलोचना के घेरों में चल रहे थे। जी हाँ, बहुत बार कटघरे में खड़ा किया गया, उसी के चलते उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, यानी कि अब तीनों फॉर्मेट, कह लीजिए तीनों जो उनके बचे हुए रिमेनिंग दो फॉर्मेट थे, वहाँ से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं मार्क वाउचर, जो अभी नई रिसेंटली हेड कोच अपॉइंट किए गए, खासकर उनके साथ साथ जो क्विंटन डी कॉक है, जो एक इमर्जिंग लीडर बन के उभर रहे हैं, वो किसको अपॉइंट करते हैं, या फिर क्विंटन डी कॉक को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दी जाएगी, या फिर आप देख सकते हैं कि एक लिमिटेड ओवर्स का एक कप्तान अलग होगा और एक रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान अलग होगा, जो बहुत सी टीम्स आजकल इस ट्रेंड के साथ जा रही है। आपके हिसाब से कौन सा नया कप्तान अपॉइंट करना चाहिए, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और हमारा चैनल यानी कि इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।